हाय फैमिली, तो अब बारी थी आलू की पकौड़ी बनाने की। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं सबसे पहले क्या की थी कि आलू को अच्छे से उबाल कर ली, उसके बाद वो उसको मैश थी, फिर इसके बाद मैं इसमें डाली थी स्वाद अनुसार नमक और हल्दी और एक मिर्च डालूँगी उसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे अभी नमक और हल्दी मिलाए हैं फिर। तो चलिए पहले निकालते हैं। अजवाइन मंगरेला सिर्फ डालेंगे, अजवाइन नहीं, और उसके बाद दो तीन हरी मिर्च। तो चलिए सबसे पहले मिर्च लाते हैं फ्रिज से। यहाँ पे मिर्च ले लेंगे और अब इसको धो देंगे, धोकर और कट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या की हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा मिर्च डाल दी हूँ और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन तुलसी है नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ मिर्च डालेंगे और इस चोखा को अच्छे से फ्राई कर देंगे ताकि ये आलू टाइप का ना लगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार किए हैं, यहाँ पे है इसका मसाला। तो अभी इसको बेसन में क्या करेंगे, अच्छे से घोल देंगे, उसके बाद तल देंगे, तो हमारा आलू का पकौड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइस अभी ये चोखा क्या की है, अच्छे से फ्राई कर दिए और इसको प्लेट में निकाल दिए ताकि ये ठंडा हो जाए। और अभी बहुत ही अच्छा एकदम देखने में लग रहा होगा। और यहाँ पे निकाल दिए बेसन, और अभी इसमें मैं सुबह में प्याज का पकौड़ी बनाई थी तो इसमें भी चलते हैं, बेसन घोल देते हैं। तो सबसे पहले बेसन लेंगे थोड़ा और, जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे है थोड़ा सा सूजी। तो मैं सोच रही हूँ कि चावल काटा है तो थोड़ा सा सूजी डाल देंगे ताकि थोड़ा क्रंची हो। तो पहले बेसन थोड़ा सा लेते हैं, इसमें मसाला डाल दिया, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा हल्दी। अब इसको अच्छे से क्या करेंगे, मिला देंगे पानी डालकर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैं बेसन को कितने अच्छे तरीके से भून दिए हैं और यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है। तो अब चलते हैं इसको छानते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, तेल डाल दिया है और अब एकदम गर्मा गर्म पकौड़ी निकालेंगे। ठीक है गाइस, मुझे ये वाला पकौड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसको आलू को चिप्स की तरह कट कर और ऐसे ही बेसन खोल कर और डायरेक्ट छान लें, लेकिन मैं बोली कि चलो आज कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे इसमें है कि थोड़ा सा टाइम लगता है उबालने में, लेकिन उसको कट करो और फिर ऐसे बना कर बेसन तल दो, लेकिन आलू बॉयल करो, फिर इसको छील कर चोखा बनाकर इसको फ्राई करो, फिर ऐसे बेसन घोल कर तलो। तो यहाँ पे अभी तेल गर्म हो रहा है, अभी और आज का मौसम मैं बता दूँ कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, एकदम हवा भी चल रहा है, यहाँ से हवा भी आ रहा है और उतनी गर्मी भी नहीं लग रही है। सुबह में थोड़ी सी लग रही थी लेकिन अभी खैर ठीक है, धूप बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे सारा खाना बनकर तैयार है। तो गाइस अब मैं क्या करूँगी, इसको लूँगी और इसको ऐसे पतला पतला कर अच्छे से शेप देकर, और इसमें क्या करेंगे, बेसन में ऐसे डुबाएंगे और इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। तो ऐसे ही सबका करना है, सब इसमें है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब सारे को ऐसे ही करते हैं।
तो अभी यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से पकौड़ी ये हो रहा है। वैसे तो अभी इसका सेप मैं दिखाऊंगी निकालने के बाद। और यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ जो कि अभी मम्मी जी को पीना है चाय। तो अभी देखिए कितने अच्छे तरीके से ये हो रहा है। और अभी ले जाएंगे मम्मी जी के पास, देंगे खाने के लिए, तब बताएंगे वो कैसा लग रहा कैसा नहीं। तो आप लोग बने रहिए और देखिए। और यहाँ पे आ गया है दूध, जो कि मुझे अभी दूध भी गर्म करना है पहले इधर। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये आलू की गर्मा गर्म पकौड़ी। आप लोग बता रहे कि ये पकौड़ी देखने में कैसा लग रहा है और चाय भी होगा। तो अभी चलते हैं मम्मी जी को देने चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी। चलिए तो फाइनली यहाँ पे हमारा आलू का पकौड़ा बनकर तैयार हो गया और इसके साथ गर्मा गर्म चाय। तो चलते हैं अभी चाय पकौड़ी खाएंगे। और उससे पहले मुझे लग चुकी है प्यास, तो चलते हैं सबसे पहले पानी पी लेते हैं। और यहाँ पे दूध आ चुका है, तो चलते हैं इसको भी गर्म कर देते हैं। क्या नहीं गर्म करेंगे तो फिर फटने का डर रहेगा। तो चलते सबसे पहले दूध चढ़ा देते हैं। हे गाइस, तो अभी यहाँ पे मैं पकौड़ी बनाकर, और अभी मैं भी जस्ट थोड़ा देर पहले नाश्ता की हूँ। और आपको बता दूँ कि आज मेरा मन भी नहीं लग रहा और मुझे अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा याद आ रहा। बात भी की है हम उनसे, पता नहीं क्यों एकदम अजीब सा लग रहा, अजीब सा फील हो रहा। और पीछे आप लोग देख रहे हैं कि आज हुई है बारिश थोड़ा सा, तो इसलिए इसको खोल दिए हैं क्योंकि यहाँ से जो है हवा भी आ रही है। तो मैं इधर क्या कर रही हूँ, मुझे गर्मी लग रहा था क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले किचन से ही आए, तो बॉडी की थोड़ा देर यहाँ खड़े होकर हवा खा लेते हैं। चलिए आपको मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि हवा कितना ज़्यादा तेज़ चल रहा है। अगर ऐसा मौसम कल किया हुआ रहता तो जितिया का जो व्रत जो भी मम्मी लोग किए थे उनके लिए सही रहता, क्योंकि कल जितिया था तो कल काफ़ी एकदम अलग तरीके से मौसम हुआ था। और यहाँ पे अभी ये देख रहे हैं मूवी, तो इनको मूवी देखने देते हैं क्योंकि साइड से आवाज़ आ रहा होगा। तो चलिए मैं बैक कैमरा से आप सबको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मौसम आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बताना कि आप लोग के साथ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। और यहाँ पे सब कपड़े वगैरह डाला हुआ है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। जब बारिश होता है ना तो पेड़ पौधे पे एकदम पानी की बूंद सी पड़ती है, बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में। और अभी बस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। और आपको बता दूँ मैं कि अभी बज चुके हैं 12:05, तो अभी देखते हैं हम जाने वाले कि जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं। बाकी सामान वहाँ पे पैक है इसलिए, तो अगर जाना होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब ढेर सारा शेयर कीजिएगा। गाइस मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग बने रहिए।